आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं। मान लीजिए आपने एनडी के रिटन एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर लिया है और फाइनली आप लोग एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यू के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, जिसके बाद आप रिकमेंड हो जाते हैं और आपको पूरा भरोसा होता है कि अगर आपने मेडिकल एग्जाम पास कर लिया तो आप फाइनली एनडी को ज्वाइन कर लेंगे। पर मेडिकल एग्जाम के दौरान आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ परमानेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप एनडी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। एनडी तो छोड़िए, अब आप डिफेंस में जा ही नहीं सकते, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पर दो बहुत बुरी चीज़ें आपके साथ होंगी। सबसे तो ये एज एन ऑफिसर डिफेंस में जाना आपका जो सपना था वो टूट जाएगा। साथ में आपको ये लगेगा कि अगर ये चीजें मुझे पहले पता होती तो टाइम और एफर्ट मैंने इसमें दिया है वो मैं कहीं और देता और शायद मुझे वहां पर सक्सेस मिल जाता, तो ये आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो सोचिए अगर ये चीज आपको पहले पता चल जाए कि आप फिट हैं या नहीं है, उस हिसाब से तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं जब एनडीए का एग्जाम दे रहा था उस दौरान मैंने XY एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया था, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा परमानेंट मेडिकल रीजन है, जिसके बाद मैंने अपने 3 में से 2 SSB इंटरव्यू छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे पता था फाइनली मैं वहां पर आउट हो जाऊंगा। तो मैंने वो सारा टाइम बचाकर फिर दूसरी जगह लगाना शुरू कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें मेडिकली फिट होने के लिए कौन से क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर उन्हीं क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर कुछ बेसिक से लेकर एडवांस क्राइटेरिया की बात करेंगे, जहां पर आपको अपने मेडिकल एग्जाम करवा लेने चाहिए पहले, ताकि आपको पता हो जिस डिफेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं हम उसके लिए फिट हैं या नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनडीए के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम हाइट की। तो एनडीए के लिए जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया होता है वो होता है 157 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर ट्रैवल एरियाज कुमाऊं, गढ़वाल और नॉर्थ ईस्ट के एरिया के लोगों के लिए 2 से 5 सेंटीमीटर की छूट के साथ होता है। साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो एनडीए के अंदर जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हाइट होती है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग होती है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी मिनिमम हाइट जो होती है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी का एनडीए के एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप लोग अपने एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पर एनडीए 2023 के लिए कमांडो 4.0 बैच 8 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। ये एनडीए 2023 के लिए डिटेल टारगेट बैच है। इसके अंदर आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। साथ में आपको मिलेंगे लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट। इसके साथ ही आपको मिलेंगे नोट्स, जिससे आपका नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है। और साथ में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स परचेस करते हैं। इन कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा, एनरोल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा। और अनअकैडमी पर फिलहाल चल रहा है 16 सितंबर तक अनलॉक 20 का ऑफर है, यानी इस बीच आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो इस 20% के डिस्काउंट को लेने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में और एनरोल करते हुए यूज करना होगा एपेक्स 10 कोड, तभी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 16 सितंबर तक ऑफर वैलिड है, इसके बाद आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अभी जाकर इन ऑफर का फायदा उठाएं और साथ में अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दें, ताकि आप लोग इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग एनडीए के लिए रिक्वायर्ड आई विजन के क्राइटेरिया की। सबसे पहले बात करेंगे हम आर्मी की, फिर नेवी की, फिर एयरफोर्स की। तो देखिए क्या होता है, आर्मी के लिए अनकरेक्टेड विजन जो आपका होना चाहिए वो 6x36 होना चाहिए, जो करेक्ट होने के बाद 6x6 और 6x6 होना चाहिए। इसके अलावा आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की रेंज दे रखी है, तो इसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेवी की। तो नेवी के अंदर जो आपके आई विजन की रिक्वायरमेंट होती है, अनकरेक्टेड विजन होना चाहिए आपका 6x6 या 6x9, और करेक्टेड होना चाहिए 6x6 और 6x6। इसके बाद हम बात करें लिमिट्स ऑफ मायोपिया, तो -0.75 डायोप्टर, और हाइपरमेट्रोपिया की तो +1.5 डायोप्टर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो आपको बाइनोकुलर विजन देख लेना, जो थर्ड होना चाहिए, कलर परसेप्शन आपका फर्स्ट होना चाहिए, और एस्टिगमेटिज्म आपका होना चाहिए +-0.75। तो चलिए अब बात करते हैं एयरफोर्स के क्राइटेरिया की। वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच अलग होती है, जिसके दोनों के क्राइटेरिया अलग होते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका अनकरेक्टेड विजन होना चाहिए 6x6 एंड 6x9, और करेक्शन के बाद वो 6x6 हो जाना चाहिए दोनों का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की, तो उसके अंदर आपका 6x36 और 6x36 चलेगा। इसके बाद करेक्शन के बाद 6x6 और 6x6 हो जाना चाहिए, जो आर्मी के सिमिलर हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ और क्राइटेरिया की। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके कानों की। तो कान के आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपको दोनों कानों सही सुनाई देना चाहिए। इसके अलावा आपको 610 सेंटीमीटर का विस्पर या कन्वर्सेशन सुनाई देनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो कान का पाइना होता है, पाइना मतलब जो बाहर वाला हिस्सा होता है, वो आपका कटार नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से सही होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नाक की। तो नाक के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है DNS, जिसमें आपके नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, जो कॉमनली स्प्रेड प्रॉब्लम होती है और काफी लोगों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दो तरह का DNS होता है, एक आपका माइनर होता है और आपका मेजर होता है। मेजर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका चेकअप जरूर करा लें। इसके अलावा आपको गले वगैरह में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, गला आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अब बात करते हैं आपके हाथों की। तो हाथों के अंदर दो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो होती है क्यूबिटस बैल्गस और क्यूबिटस बैरस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यूबिटस बैरस के अंदर आपके जो हाथों का एंगल है वो 5 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है क्यूबिटस बैल्गस, जिसके अंदर आपके जो हाथों का एंगल है वो 15 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मेल के लिए
लिए होता है और फीमेल के लिए 18 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, जबकि क्यूविटस वायरस का क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पैरों की, तो पैरों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है नॉक नी, यानी आपके घुटने आपस में नहीं लगने चाहिए जब आप अटेंशन में खड़े होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है, वो आप लोग देख के जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिससे आप लोग इनको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंडिया के एग्जाम को देने जा रहे हैं और अपने आप ये देख लिया है तो अभी से उन एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें, ताकि 5 से 6 महीनों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाए और एक्चुअली ये ठीक हो जाती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके लंग्स की, तो लंग्स के अंदर हमारी कोई भी बड़ी क्रॉनिक डिसीज नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारा अस्थमा या ट्यूबरक्लोसिस नहीं होना चाहिए, अस्थमा की कोई भी पहले की हिस्ट्री ना रही हो, ट्यूबरक्लोसिस के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलने चाहिए, तभी आप लोग एनडीए के लिए फिट हो गए। अब बात करते हैं आपके हार्ट की, तो अपने हार्ट का चेकअप जरूर करा लें, उसके लिए आपको कराना होता है ईसीजी। ईसीजी के अंदर आपके लिए सिर्फ आपकी हार्ट बीट नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी, ऐसी परेशानी हुई जो मेडिसिन से ठीक हो सकती है, तो उसको आप लोग अभी क्योर कर सकते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम जब देने जा रहे हो, जब फाइनली आप लोग मेडिकल एग्जाम में पहुंचे, तो आप पूरे फिट होकर पहुंचे। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपकी बैकबोन की, तो बैकबोन के अंदर आपको 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। अब ये तीनों के फोटो मैंने आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग आपको दिखाई दे रही हूं किस तरह से होती है। इनमें से जो मेरा रीजन था वो स्कोलियोसिस था, स्कोलियोसिस की वजह से मुझे बाहर निकाला गया था, पर मेरी स्कोलियोसिस काफी माइनर है जो आप लोग मुझे देखकर बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाहर हो गया। तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी बैकबोन होती है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, अगर इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो लोग आपको बाहर कर देंगे। आगे बात करें तो आपके लिए कोई भी स्किन डिसीज नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी नहीं होनी चाहिए, ये सभी चीजें आपको देखकर जानी है। आपको अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, बॉडी पर कोई इन्फेक्शन है, तो उन सभी को ठीक करके जाना है। एक्नेस वगैरह की वजह से भी पॉइंट मिल जाते हैं, पर वो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, पर हम ज्यादातर चीजों को ये चाहेंगे कि हम बिल्कुल फिट होकर जाएं। तो डेंटल के अंदर आपके 14 डेंटल पॉइंट पूरे होने चाहिए। अभी 14 डेंटल पॉइंट क्या होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आपके दांत बिल्कुल ठीक होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, दांत आपस में मिलने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। इसके साथ ही आपके दांतों में कीड़े वगैरह ना लगे हों, आपके मसूड़े ठीक होने चाहिए, वो खराब नहीं होने चाहिए, इसके अलावा आपको कोई भी ओरल इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, ये सभी आपको देखा जाता है। तो अगर इन सभी क्राइटेरिया को आप पूरा करके जाते हैं, अगर आपके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम है आपको ठीक कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होंगी। एक बात ध्यान रखना, मेडिकल एग्जाम की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में ख्याल होता है कि हम पैसे देके ठीक करा लेंगे, कई लोग हमें आके बताते हैं, हमारे दिमाग में नहीं होता तो बाहर से आके कह देते हैं कि यार इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, मैं तेरा करवा दूंगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे मेडिकली फिट होकर जाना है, उनके भरोसे मत रहना, क्योंकि वो गलत तरीका है, इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आप खुद सोचिए किस जगह आप जा रहे हो और आपकी क्या रिस्पेक्ट फिर रह जाएगी। तो आप लोग जब भी कोई डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा खर्चा करके अपना पूरा प्री मेडिकल एग्जामिन करा लें, जो पूरे के पूरे डिफेंस के क्राइटेरिया को मैच कर रहा हो। तो ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं या डिफेंस के हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहां पर ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट चलते हैं और हो जाते हैं, ऐसे कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो इस तरह का प्रोग्राम करवाती हैं, तो उनमें जाकर उनको कॉन्टैक्ट करके आप लोग ये कर सकते हैं, ताकि आप लोग मेडिकली फिट हों, आपको उसकी कोई भी चिंता ना रहे, फिर आप जाके सिर्फ फोकस कर पाएं अपनी स्टडी पर, अपनी परफॉर्मेंस पर, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग एक लंबा टाइम दे दें, उसके बाद आपको फिर इन चीज़ों से बाहर निकलने का अफसोस हो। इसके अलावा आपके लिए कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDF को जाकर पूरा पढ़ लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एनडीए के लिए कौन से क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होते हैं मेडिकल के लिए, जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।